हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज 2 बाई 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 इज 2 बाई 2 0 मैट्रिक्स। यहाँ आपको ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई आपको प्रूफ करना है 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन यहां देखो, हमें ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई करना है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, a इंटू ए होगा, विच इज a कितना है 2, 3, 1, 2 इंटू ए 2, 3, 1, 2। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैट्रिसेस में आपने मल्टीप्लाई में सीखा होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ऐड करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 2 4, ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 4 7, ये हो गया हमारा a इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4a निकाल लेंगे, या आप डायरेक्टली माइनस 4a ही निकालो, 4a देखो क्या होगा, तो 4 इंटू ए मैट्रिक्स हमारा कितना है 2, 3, 1, 2। तो जब किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इच एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 जब 8, 4 3 जब 12, 4 1 जब 4 एंड 4 2 जब 8, 4a भी हमारा निकल गया। अब आई मीन्स आई का मतलब है हमारा जीरो मैट्रिक्स, आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना है, तो 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, तो इसको निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। तो देखिए ए स्क्वायर हमारा कितना आया 7 12 4 एंड 7 माइनस 4a, तो माइनस 4a की वैल्यू हमारी कितनी है 8 12 4 एंड 8 और प्लस आई, तो ये 1 0 0 1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स कितना होगा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 7 माइनस 8 माइनस 1 और +1 0, फिर 12 माइनस 12 0 +0 is 0, 4 माइनस 4 is 0, 0 plus 0 is 0 एंड 7 माइनस 8 is -1 +1 is 0, ये हमारा प्रूफ हो गया, इट इज 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसमें देखो होता क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है सो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, कि जब आप ए में इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या फिर आप ए इन्वर्स में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इन्वर्स देगा, या फिर ए इन्वर्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इन्वर्स ही होगा, और जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका ए ही होगा, ये मैट्रिक्स है कोई, फिर ए मैट्रिक्स में अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट ए होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसी से हम आप इक्वेशन से हम क्या करेंगे,
कि ए इनवर्स डेराइव कर लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमारा इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। इस आई को अपोजिट शिफ्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए इज इक्वल टू, ये माइनस आई हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो ये बचा ए माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस आई। अब क्या करते हैं, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स। अब देखो आप इस ए इनवर्स को यहां भी रख सकते थे या इस ए इनवर्स को आप यहां भी रख सकते थे, तो इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं ए इनवर्स आई होता है या फिर ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। तो ये हमारा हो गया आई इंटू ए माइनस फोर इज इक्वल टू, यहां देखो आई इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू आई, बोथ आर इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये हो गया आपका माइनस ए इनवर्स। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो गया आई ए माइनस फोर आई इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। अब यहां देख लीजिए आई ए आई इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, ए माइनस फोर आई इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस फोर आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। इससे हमें रिजल्ट क्या मिला कि ए इनवर्स हमारा जो होगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर आई माइनस ए होगा। अब इस चीज़ को निकालना बहुत आसान है, तो इस चीज़ को हम यहाँ निकाल लेते हैं, ए इनवर्स की को यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए इनवर्स निकालना हमें, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना है, फोर आई माइनस ए है। तो फोर आई कितना होगा, फोर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो वन जीरो जीरो वन माइनस ए, ए कितना है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है टू थ्री वन और टू, ये हो गया फोर जीरो जीरो फोर माइनस टू थ्री वन टू। सब्ट्रैक्ट कर लो, फोर माइनस टू इज टू, जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, फोर माइनस टू इज टू, ये हो गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।